पहला फीचर्स है दोस्तों, आप जैसे ही सेटिंग में जाते हो यहाँ पे एक बार स्लाइड कीजिए, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपको स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए, ये है स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए। अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो इसको ऑफ कर दीजिए और ये कहाँ पे भी आप मूव कर सकते हो। और साथ साथ अगर कोई चीज को आप हाईलाइट करना चाहते हो तो वो भी हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ पे आपको टाइम भी दिख रहा है और ये जो ब्रश का सिंबल आपको दिख रहा है, इस ब्रश पे क्लिक करिए और जहाँ पे आप जिस चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं वो हाईलाइट करिए। सपोज मैं टेक्निकल मोटिवेशन को हाईलाइट कर रहा हूँ और प्लीज सब्सक्राइब को हाईलाइट कर रहा हूँ और प्लीज बेल आइकन को भी दबा दीजिए, इसको भी हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे ही इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये जो भी आपने हाईलाइट किया था वो गायब हो जाएगा। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, टेक्निकल मोटिवेशन लोगो को मैंने हाईलाइट कर दिया, सब्सक्राइब को हाईलाइट कर दिया और इसको हाईलाइट कर दिया। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये गायब हो जाएगा एंड जब भी आप स्टॉप बटन को क्लिक करेंगे वो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। दूसरा फीचर ये है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए जैसे लिखा हुआ है सेलुलर डाटा ब्लूटूथ टच, आप ऐसे टच को क्लिक करिए, ये आपको टॉर्च का काम करेगा। और सबसे अच्छा फीचर है दोस्तों यहाँ पे, एक सपोज करो आपने किसी वाईफाई से कनेक्ट है, ये जैसे देखिए इतने सारे वाईफाई अभी आ रहे हैं, मैं इस वाईफाई के साथ अभी कनेक्ट हूँ। और इस डिवाइस को आप अगर वाईफाई बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हॉटस्पॉट लिखा हुआ है, इस हॉटस्पॉट को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप हॉटस्पॉट पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड करने के लिए बोलेगा। ये नीचे देखिए पर्सनल हॉटस्पॉट एक्टिव हो गया है, आप इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे सेटअप डब्ल्यू लैन हॉटस्पॉट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी ये जो डिवाइस है किसी और को कनेक्ट करना है तो इनफोकस रीजन 3 नाम पे आएगा, या फिर आप अपना कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं टेक्निकल दे दिया और सिक्योरिटी दोस्तों आप ऐसे ओपन करिए ये आई को, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड देना पड़ेगा, जो पासवर्ड जो भी आप रखना चाहते हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 में रख रहा हूँ, इसको हाइड कर दीजिए, ऐसे करिए। अभी किसी को भी आप इस डिवाइस से आप वाईफाई एक्सेस दे सकते हैं। सपोज करो आप अपना डाटा यूज करते हो सेलुलर डाटा और इस डिवाइस को आप वाईफाई बनाना चाहते हो तो ये वाईफाई हो जाएगा। जैसे ही हॉटस्पॉट किसी दूसरे को आप बोलोगे तो, जैसे कि आपने, मैं सेटिंग से जाके आपको दिखा देता हूँ, सेटिंग पे भी मोर पे जाके पर्सनल हॉटस्पॉट अभी ऑफ है, जैसे ही आप ऑन करोगे ये आपने जो सेट किया था डिवाइस का नाम हमने सेट किया था टेक्निकल एंड जो भी पासवर्ड आपने दिया था वो टेक्निकल पे क्लिक करेंगे वाईफाई से एंड ये पासवर्ड दे देंगे तो उसका कनेक्ट हो जाएगा। तीसरा फीचर ये है दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही आप ऊपर ऐसे ड्रैग करेंगे, पहले ऐसे करेंगे तो ये जो मेन फीचर्स है जैसे वाईफाई सेलुलर डाटा ब्लूटूथ टॉर्च और रिंग आ जाएगा और ये जो दो बार है इसको क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। यहाँ से आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा फीचर ये है दोस्तों, ये सेटिंग में ही आप जैसे ऐसे करेंगे ना, यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है स्क्रीन कैप्चर, आप जैसे स्क्रीन कैप्चर पे क्लिक करेंगे ये पूरे पूरे स्क्रीन को कैप्चर कर लेगा। ये देखिए यहाँ पे सेव भी हो जाएगा और इसको आप ऐसे करके यहाँ पे जाके भी आप स्क्रीन कैप्चर दे सकते हैं। आप गैलरी से देखना है, किससे देखना है ये आपकी मर्जी है, वैसे ही आप दे सकते हैं ये जो स्क्रीन मैंने कैप्चर किया था। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों, ये डू नॉट डिस्टर्ब का बटन, जैसे ही आप डू नॉट डिस्टर्ब पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कोई भी कॉल आगे आने के ऑप्शन नहीं देगा और यहाँ पे आप आके इसको सिलेक्ट भी कर सकते हो कि कितने टाइम के लिए। अगर अंटिल आप करते हो
तो अनटिल टर्न ऑफ दिस, जब तक आप इसको ऑफ नहीं करते तब तक वो आपको कोई कॉल या कोई मैसेज के साउंड्स नोटिफिकेशन नहीं देगा। सपोज करो आप मीटिंग में हो और आपको पता है कि 30 मिनट्स लगेंगे, तो 30 मिनट्स का भी यहाँ पे आप ले सकते हो, फॉर 3 आवर, फॉर 30 मिनट्स, फॉर 15 मिनट, या सेट कर सकते हो। बेटर आप सजेस्ट करूँगा यहाँ सेट करिए, अनटिल यू टर्न दिस ऑफ मत करिए, और टोटल साइलेंट पर क्लिक करिएगा तो टोटल सारे ब्लॉक कर देगा वो, सिर्फ अलार्म देने के लिए सिर्फ अलार्म हो जाएगा, और जो प्रायोरिटी है जैसे बैंक का SMS आ गया या नोटिफिकेशन आ गया वो सारा आप दे सकते हैं। इसको भी आप 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए ऑप्शन है, तो आप देख के जो भी आपको करना है सेट कर सकते हैं। सिक्स्थ फीचर ये है दोस्तों कि आप इस पे नोटिफिकेशन को अपने हिसाब से सजा सकते हैं, जैसे कि इस पे आप चाहते हो कि सेलुलर डाटा, ब्लूटूथ टॉर्च एंड रिंग आपको नहीं चाहिए, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग वाला चाहिए। तो जैसे ही आप ऐसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर सिर्फ सेटिंग का ही बटन है, बट जैसे ही आप थोड़ा स्क्रॉल करते हैं एक एडिट का बटन आ जाता है। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे यहाँ से आप कोई भी आइकन को ड्रैग करके ऐसे कहीं पे भी आप छोड़ सकते हैं। तो अभी देखिए आप पहले वाईफाई आ जाएगा, सेलुलर डाटा आ जाएगा, ब्लूटूथ आ जाएगा और स्क्रीन रिकॉर्ड आ जाएगा। सब कुछ करिए, आपको ब्लूटूथ की उतनी जरूरत नहीं है और आप यहाँ पे टर्च को लेके आना चाहते हैं, तो वैसे ही ब्लूटूथ को आप सिलेक्ट करिए और ऐसे ड्रैग कर दीजिए। और यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हैं, अगर टॉर्च को पहले रखना है और स्क्रीन रिकॉर्ड को बाद में रखना है, ये कर सकते हैं। और ऐसे ही आप इसको मूव कर दीजिए, ये अपने आप सेट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे टॉर्च के बाद स्क्रीन रिकॉर्ड भी अभी आ गया है। ये 5.7 का स्क्रीन है, इसमें आप डुअल एप्लीकेशन रन करके देख सकते हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे ही हम जितने भी एप्लीकेशन खोलते हैं यहाँ पे जो एक बटन है इससे आपको पता चल जाएगा कि ये देखिए हमने क्या क्या एप्लीकेशन खोला है। सपोज करो आपको YouTube देखनी है और उसके साथ कुछ देखनी है, आप जैसे ही इसको हल्का सा नीचे ड्रैग करके छोड़ देंगे ये देखिए ऊपर आ रहा है, ये ऊपर देखिए एक लॉक का है और एक मल्टी का है। तो आपको मल्टी पे जैसे ही मैं थोड़ा सा हल्का सा ड्रैग करके नीचे लेके आता हूँ, आपको इस मल्टी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मल्टी पे क्लिक करोगे ये आपको एक YouTube आ गया ऊपर, आप ऊपर कोई भी YouTube का वीडियो प्ले कर दीजिए वो अपने आप चलता रहेगा, और नीचे आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे आपको और कुछ इमेज देखनी है, डायल पर देखनी है, या अमेजोन का कुछ करना है, या गूगल क्रोम आपको ओपन करनी है, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं ऐसे कुछ सर्च कर दिया और मैं देखना चाहता हूँ ये क्या होगा। ये देखिए ऊपर वीडियो चल रहा है और नीचे आपका कुछ भी कंटेंट पढ़ना है, व्हाट्सएप ऑन करना है, जो आपको मर्जी वो कर सकते हैं। इसको ऑफ करने के लिए सिंपल आप इस पे मल्टी पे क्लिक कर दीजिए, और जैसे ये आएगा आप इसको क्लोज कर दीजिए। एट फीचर ये है दोस्तों कि आप सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे जाके जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्ट की सेटिंग, ये लिख रहे हैं सॉफ्ट की सेटिंग। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सस्पेंशन बॉल। ये सस्पेंशन बॉल ये है दोस्तों कि आप जैसे ही इसको एक्टिव करेंगे ना, तो यहाँ पे ये देखिए एक बॉल सा आ गया, इसको आप कहीं पे भी लेके मूव कर सकते हैं। और इसका फीचर्स ये है कि हमेशा ये लेफ्ट या राइट में रहेगा, और जैसे ही आप जहाँ पे रखना है रख सकते हैं। इसका फीचर ये है, ये क्विक एक्सेस के लिए ऑप्शन देगा। ये देखिए दोस्तों, ये स्क्रीन आ गया, ये आ गया, लॉक आ गया, ऐसे कुछ चीजें आपको इमीडिएट एक्सेस करने के लिए ये दे सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट आ गया, उसके बाद होम पे आ जाएगा, यहाँ से आप डायरेक्टली किसी को मल्टी विंडो करना है तो कर सकते हैं, उसके बाद ये स्क्रीन को लॉक कर देगा और बैक भी कर देगा। तो
इसको अगर आप कभी कभी हेल्पफुल होता है इमीडिएट एक्सेस करने के लिए, और इसको आप हाइड करने के लिए अगेन आप यहाँ पे सेटिंग पे चले जाइए और फिर से सॉफ्ट की पे क्लिक करिए और इसको ऑफ कर दीजिए, ये अपने आप चला जाएगा। नाइन्थ फीचर ये है कि आप अगेन सेटिंग पे जाइए और सॉफ्ट की पे जाइए, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनेबल नेविगेशन बार, अगर इसको आप डिसेबल कर देते हैं तो ये आपके जो नीचे नेविगेशन बार आ रहे थे वो हाइड हो जाएगा। जैसे एनेबल है अभी, जैसे आप जैसे ये नेविगेशन बार अभी एनेबल है, अगर आपको इसको मैं डिसेबल कर दूं, आप देख करिए ये एकदम से वहां से गायब हो जाएगा। फिर आप इसको अगेन यहाँ पे आके एक्सेस कर सकते हैं। टेंथ फीचर ये है दोस्तों कि आप अगेन सेटिंग में जाइए और यहाँ पे अगेन आप सॉफ्ट की पे क्लिक करिए। सॉफ्ट की पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तरह के स्क्रीन ऑर्डर है, आप ये कर सकते हैं और बैक बटन को पहले भी लेके आ सकते हैं। आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ये आप नीचे देखिए जो सॉफ्ट की है ये इमीडिएट चेंज हो जाएगा, ये देखिए ये आप यहाँ पे ऐसे आ गया, यहाँ पे बैक आ गया, यहाँ पे स्टॉक आ गया। लेकिन इसको बिफोर जैसे था वैसे करने के लिए आप अगेन सॉफ्ट की पे आइए और इसको ऊपर से कर दीजिए। इसमें और एक फीचर है दोस्तों, ये जो सॉफ्ट की है आप इसको हाइड भी कर सकते हो। जैसे ही आप हाइड नेविगेशन पे क्लिक करेंगे ये देखिए अपने आप हाइड हो गया। अगर इसको दोबारा लेके आने के लिए आप नीचे से ऐसे थोड़ा सा स्क्रोल कर दीजिए वो आ जाएगा, और यहाँ पे एरो को डाउन एरो को क्लिक कर दीजिए और नीचे से थोड़ा सा स्क्रोल कर दीजिए वो आ जाएगा। अगेन इसको डिसेबल करने के लिए यहाँ पे हाइड नेविगेशन बार कर दीजिए। इलेवन फीचर ये है कि आप जैसे ही सेटिंग पे अगेन जाएंगे यहाँ पे एक लिखा हुआ आएगा आपको स्पेशल सेटिंग। स्पेशल सेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आप ट्विंस आ जाएगा, आप ट्विंस पे क्लिक करिए। आप ट्विंस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखिए क्यू क्यू वी चैट व्हाट्सएप लाइन मैसेंजर बीबीएम और फेसबुक। तो इसमें बाय डिफॉल्ट ऑप्शन ये है दोस्तों कि आप दो दो फेसबुक यूज कर सकते हैं, दो मैसेंजर यूज कर सकते हैं, दो व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, दो वीचैट यूज कर सकते हैं। अभी इसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं है, आप जैसे ही इंस्टॉल करोगे ये जो अभी हिडन में है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अभी फेडर में है, ये एक्टिव हो जाएगा और इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे दो व्हाट्सएप आपका ओपन हो जाएगा। अगर दो फेसबुक ओपन करना है तो यहाँ पे ये आपका एक्टिव हो जाएगा और इसको आप यूज करके दो फेसबुक यूज कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास ऑफिस के लिए एक व्हाट्सएप होता है और पर्सनल लाइफ के लिए एक व्हाट्सएप होता है, उनके लिए ये ऐप ट्विंस बहुत ही हेल्पफुल है। बारवा फीचर ये है दोस्तों, अगेन आप सेटिंग पे जाइए और सेटिंग पे अगेन स्पेशल सेटिंग पे जाइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सोमाटो सेंसरी मोशन। ओके, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ और फीचर्स आपको मिल जाएगा, जैसे ट्राई फिंगर स्क्रीनशॉट। अगर इसको आप क्लिक करते हैं, मैं अगर ऐसे करता हूँ, सपोज करिए अभी फिलहाल मेरा यूट्यूब है, अगर मैं तीन फिंगर के साथ इसको ऐसे क्लिक कर देता हूँ ये एकदम से स्क्रीनशॉट ले लिया, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया। थर्टीन फीचर ये है दोस्तों, अगेन मैं स्पेशल सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पे आप देखिए सोमाटो सेंसरी पे आते हैं एंड टर्न ओवर टू रिजेक्ट ए कॉल। अगर दोस्तों मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए एनिमेशन आ रहा है, सपोज कोई कॉल आ रहा है तो जैसे ही आप व्हेन ए फोन कॉल कम इन टर्न फोन ओवर टू रिजेक्ट द कॉल। आप अगर स्टैंडिंग मोड पे है फोन तो मूव कर दीजिए नीचे को, डाउन कर दीजिए, ये कॉल अपने आप डिस्कनेक्ट कर देगा। या फिर अगर मूव में है
नीचे पड़ा हुआ है और तो इसको ऊपर उठा दीजिए, ये अपने आप कॉल रिजेक्ट कर दीजिएगा। जैसे बहुत सारे एड्स आते हैं, अगर आपने पता चल गया कि हाँ ये एड है, तो आप बिना किसी की को प्रेस करिए करके ये कर सकते हैं। 14 पे आता है दोस्तों कि फिर से सेटिंग पे जाते हैं और मैं अगेन स्पेशल सेटिंग में जाता हूँ और स्मार्ट मौसम पे आता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साइलेंट ऑन पिकअप, तो इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो जैसे ही इसको ऑन करेंगे कोई भी कॉल आता है, अगर आपके डेस्क में पड़ा हुआ है फोन, तो जैसे ही आप उसको ऊपर मूव करेंगे तो अपने आप वो साइलेंट हो जाएगा, कॉल रिजेक्ट नहीं होगा बट अपने आप वो साइलेंट हो जाएगा, ताकि आप अपना टाइम के हिसाब से उसको पिक कर सकते हैं। 15वां हिडन फीचर ये है दोस्तों, अगेन हम यहाँ पे सेटिंग पे जाते हैं, स्पेशल सेटिंग पे जाते हैं, यहाँ पे स्मार्ट सेंसर पे आते हैं और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रेस पावर बटन ट्वाइस फॉर कैमरा। समटाइम्स ये होता है दोस्तों कि हमें प्रॉब्लम होता है कि कैमरा को फिजिकली स्क्रीन पे टच करके वो फोटो खींचने के लिए, तो नॉर्मली आप ऐसे करिए, ये जैसे ही आप इसको ऑन कर देते हैं प्रेस पावर बटन, ये नॉर्मली ऑफ होता है, जैसे ही ऑन कर देते हैं यहाँ पे एनिमेशन भी आ रहा था क्विकली ओपन कैमरा विदाउट अनलॉकिंग योर फोन स्क्रीन। 16वां फीचर ये है दोस्तों कि आप अगेन सेटिंग पे आइए और यहाँ पे आप देखिए अदर सेटिंग है, अदर सेटिंग पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ एक शेड्यूल पावर ऑफ एंड ऑन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, शेड्यूल पावर ऑफ एंड ऑन लिखा हुआ, ये मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों, ये जैसे ही आप क्लिक करोगे, सपोज करो आप रात को नॉर्मली 10 बजे सो जाते हो, तो एटलीस्ट इसको अगर ऑन करेंगे, जैसे शेड्यूल पावर ऑन पहले ऑफ को सिलेक्ट कर दीजिए, ये 8 बज के सेट पावर टाइम, आप ऐसे 12 बजे 12:30 बजे मैंने इसको ऑफ करने के लिए कमांड दे दिया है और ऑन में कर देता हूँ दिन के 4 बजे, तो ये ऑटोमेटिकली 12:30 बजे ऑफ हो जाएगा और सुबह 4 बजे ये ऑन हो जाएगा। इसको आप यहाँ से रिपीट एवरी डे भी कर सकते हो या कभी कभी भी कर सकते हो, इसको भी ऐसे ही आप रिपीट कर सकते हो कि कभी कभी आपको करना है या फिर डेली करना है। 17वां फीचर ये है दोस्तों कि आप अगर सेलुलर डाटा यूज कर रहे हो या वाईफाई यूज कर रहे हो और आपको जानना है कि कितनी स्पीड आपकी आ रही है, तो यहाँ पे एक स्टेटस बार नोटिफिकेशन है, स्टेटस बार नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देखिए एक लिखा हुआ है स्लो नेटवर्क स्पीड, तो ये जैसे ही आप इसको ऑन कर देते हैं ये देखिए ऊपर आपको आ जाएगा 0.05 kbps, अगर आप यूट्यूब वीडियो देखोगे या कुछ और काम करोगे तो ये अपने आप बढ़ जाएगा। तो करिए मैं एक यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ, ये देखिए एकदम से ये बढ़ गया 27.3 kbps, तो ऐसे आप दे सकते हो। अगर कुछ टाइम देखने के बाद ये आपको एनोइंग सा लगता है कि आपको इसको बंद करना है, तो सिंपल से आप अगेन सेटिंग पे जाइए, सेटिंग पे जाके आप अगेन इसको स्टेटस बार नोटिफिकेशन पे जाके इसको आप ऑफ कर सकते हैं स्लो नेटवर्क स्पीड। 18वां फीचर ये है दोस्तों, अगेन मैं सेटिंग में जाता हूँ, अगेन स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन में आता हूँ, यहाँ पे एक लिखा हुआ है शो स्टेटस बार आइकन एंड उसके नीचे है शो नेटवर्क स्पीड, सबसे पहले लिखा हुआ है ऐप नोटिफिकेशन मैनेजर एंड ड्रॉप स्टेटस व्हेन लॉक स्क्रीन, तो ये अगर आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो कोई भी आपका नोटिफिकेशन आता है, जैसे बैंक में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज आया है, तो ये आपको लॉक स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं, आप मोबाइल अगर सपोज करो लॉक हो गया है और स्क्रीन ऑफ हो गई है, तो जैसे ही कोई मैसेज आएगा आपको एकदम से दिख जाएगा लॉक स्क्रीन के भी।
19वां फीचर ये दोस्तों, एक दिन में सेटिंग में आता हूँ और इसको आप एकदम से अदर सेटिंग पे आइए और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेसिबल सेटिंग, इसको आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे एक बटन है दोस्तों, लिखा हुआ है क्विक बूट, ये आपको हेल्प करेगा दोस्तों। अगर इसको ऑफ करते हैं तो ये बूटिंग में बहुत टाइम लगाएगा। सपोज करो आपने फोन को ऑफ किया और जब ऑन करेंगे तो ये 1 से 2 मिनट तक लगाएगा फोन को बूट करने के लिए, क्योंकि पहले फोन बूट करेगा, उसके बाद वाईफाई एक्सेस करेगा या डाटा एक्सेस करेगा, दो सिम है तो 2 सिम का डाटा पहले एक्सेस करेगा और जितने आप बाय डिफॉल्ट चलना चाहिए वो चलाएगा। अगर आप क्विक बूट पे क्लिक कर देते हैं तो इमीडिएट वो बूट कर देगा और आपको स्क्रीन दिख जाएगा पहले, स्क्रीन के बाद आप धीरे धीरे वो चीजें यूज होगा जो भी आपको एक्सेस करना है। 20 फीचर ये है दोस्तों, अगेन हम सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, अदर सेटिंग पे जाइए और यहाँ पे एक एक्सेसिबल सेटिंग पे, यहाँ पे दोस्तों सपोज करो आपको कोई कॉल आया है और कॉल आप डिस्कनेक्ट बटन पे क्लिक करके करना नहीं चाहते, तो यहाँ पे एक है ऑप्शन जो आप देख सकते हो, यहाँ पे पावर बटन एंड कॉल है, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। अगर इसको आप ऑन कर देते हैं तो जैसे ही कॉल आएगा आप जस्ट पावर बटन को क्लिक कर दीजिए जब आपको कॉल डिस्कनेक्ट करना है। तो नॉर्मली हमारी पावर बटन पे हमारी उंगली होता ही है, जब हम फोन पिक करते हैं ऐसे कान पे लगा के आप पिक करिए और जैसे ही उन्होंने कहा कि हाँ ओके चलो बाय, एकदम से आप कैमरा बटन को पावर बटन को क्लिक कर दीजिए तो वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आप सब्सक्राइब पे क्लिक करते हैं एक बेल का आइकन आ जाएगा, ये मैंने राउंड कर दिया, और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता रहूंगा आपको इमीडिएट उसका अपडेट मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे और एक वीडियो के साथ मैं आऊंगा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।